हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो वीडियो है वो है फेलियर्स को लेकर। गार्डनिंग में मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत बार हमें सक्सेस मिलती है, बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। तो जब भी लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है वो आपको मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब आपको फेलियर मिलती है या जब आप फेल होते हैं तो वो आपको लर्निंग देती है, बहुत सारी नई चीज़ें फेलियर आपको सिखाती है। मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप अपने गार्डन में उनको करने से बचें ताकि आपको किसी तरह के फेलियर का सामना ना करना पड़े। और दूसरा, और स्पेशली ये जो वीडियो है वो बेल वाली सब्जियों को लेकर है, तो खासकर क्योंकि बेल वाली सब्जियाँ हों या दूसरी वेजिटेबल्स हैं जो हम टेरेस पे या वैसे ग्रो करते हैं, तो उनमें होता क्या है कि बहुत जब हम लगाते हैं तो 2 महीने या 3 महीने या 1 महीने हम उस पर हार्डवर्क करते हैं, और जब फ्रूटिंग का टाइम आता है अगर उस टाइम पे आपकी बेल वाली सब्जियां या कोई भी आपका वेजिटेबल का प्लांट जो है वो ख़राब होता है तो बहुत दुख होता है। तो कुछ मिस्टेक्स मेरे से हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो हुई वो थी ओवर वाटरिंग। तो जब हम कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं, जब हम कोई भी सब्जी लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर हम जैसे आपको ये मेरे साइड में जो कंटेनर है ये मैंने पुराने जो गमले थे उन्हीं में नए प्लांट लगा दिए, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम अपने आप धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाता है, उनमें पानी रुकता नहीं है और पानी जैसे ही हमने डाला वो इमीडिएटली बाहर निकल जाता है, तो हमें ओवर वाटरिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हम कोई नया गमला भरते हैं तो नए गमले में ड्रेनेज सिस्टम होने में टाइम लगता है और हम कई बार ओवर कॉशियस होके या फिर ऐसा बार बार लगता है, क्योंकि सब बिगनर्स हैं मोस्टली, लगता है कि पानी की कमी है और डाल दिया और पानी डाल दिया, तो मोस्टली उससे जो है रूट हमारी डैमेज होती है। अगर आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है तो पहला रूट डैमेज होगी, दूसरा उसमें फंगस लग जाएगी, और फंगस लग के हम इनिशियली जब रूट डैमेज होती है तो क्या होता है, पत्ता जल रहा होता है, या तो पत्ता जल रहा है या फिर कहीं पे स्टैम्प में कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो हम उस प्लांट की पत्तियों को ही क्योर करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम रूट में होती है और वो पूरी बेल जो है वो आपकी सुखा देता है। तो पहली चीज़ आप ओवर वाटरिंग से बचें। दूसरा, हर पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ पौधे हैं जिनको बहुत पानी चाहिए होता है, कुछ पौधे हैं जिनको इतना पानी नहीं चाहिए होता है, तो अपने पौधे की नीड के अकॉर्डिंग आप उनको पानी दे। ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा वाटर आपने ऐसे पौधे को, जैसे हम जब शाम को पानी देते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि कौन सा पौधा गीला है और कौन सा पौधा सूखा है, तो उस हिसाब से पानी दे। पानी के मैनेजमेंट में एक गलती मुझसे हुई कि मैंने रात में 8, 7:30 के आसपास पानी दिया, जब अंधेरा हो जाता है उस समय आपको दिखाई नहीं देता कि पानी की ज़रूरत कितनी है, तो हमेशा पानी का टाइम रखें या तो बिफोर 7 मॉर्निंग में या फिर अराउंड 6 or 6:30 इवनिंग में, ताकि आप पूरे प्लांट्स को अच्छे से देख भी लें और आपको पता रहे किसको कितनी पानी की ज़रूरत है, और सीमित मात्रा में ही पानी दें। जब बेल वाली सब्जियां फ्रूटिंग पे होती हैं तो कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, हमेशा सीमित मात्रा में पानी दें, क्योंकि यहाँ आकर कई बार हम मात खा जाते हैं और फिर दुख बहुत होता है जब हमारी सब्जियाँ ख़राब होती हैं। तो ये था मेरा पहली लर्निंग। दूसरा है मल्चिंग को गलत तरीके से कर देना। हमने सबने सुना होगा कि मल्च करने से बहुत फ़ायदा होता है प्लांट्स को, ऑब्वियसली पत्तों का जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता है, पत्तों की वो धीरे धीरे कंपोस्ट होके खाद बन जाती है, लेकिन अगर हमने मल्च गलत डायरेक्शन में कर दी है तो भी हमारे पौधों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। मल्च करते टाइम हमेशा आप जड़ के जो रूट के पास जो स्टैम्प होती है उस स्टैम्प से हमेशा दूर, थोड़ा सा दूर मल्च करें, हमेशा जो पौधे का तना है उससे थोड़ी सी दूर मल्च करें, क्योंकि जब आप पौधे के पास मल्च कर दोगे तो एरेशन सिस्टम नहीं बनेगा। पौधे की जो जड़ है उनको हवा लगना भी बेहद ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा मल्च होने से नीचे धीरे धीरे हवा नहीं लगने की वजह से फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो ये दूसरी गलती है जो कि हम कई बार कर देते हैं। तो जब भी आप मल्च करें प्रॉपर तरीके से करें और स्टेम को बचा के करें, और कम मल्च करें, बहुत ज़्यादा मल्च ना करें। तीसरा है, जब हमारे पौधे जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, जब हमारे पौधे बहुत हेल्दी होते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पौधे तो हेल्दी हैं, तो ना नीम ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना किसी तरह का भी पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आपका पौधा कितना भी हेल्दी हो, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप नीम ऑयल का रेगुलर स्प्रे करें। तीसरी जो मिस्टेक होती है मोस्टली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनसे, कि हमें टाइम टाइम पे जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं उनका स्प्रे करते रहना चाहिए, चाहे वो फिर नीम ऑयल हो, चाहे फिर वो किसी भी तरह के अपने जो हम घर पे स्प्रे बनाते हैं वो। अब इनका टाइम से डालना इसलिए ज़रूरी है, मिनिमम एक रोस्टर बना ले, एक चार्ट बना ले, जिसमें वीक में एक बार तो मिनिमम होना चाहिए, चाहे आपके प्लांट्स पे किसी तरह का इंसेक्ट का अटैक है भी या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि होता क्या है, अगर इंसेक्ट का अटैक है, जैसे मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ ये जो पत्तियाँ हैं इन पे मेरे में बहुत ज़्यादा लीफ माइनर का जो अटैक है, तो अगर ये हम टाइम से अगर इनको क्योर नहीं करते हैं तो बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इनको क्योर करना। अगर हम टाइम से स्प्रे वगैरह कर देते हैं, रेगुलर स्प्रे करते हैं, तो उन पे इस तरह के कीट का अटैक कम से कम होता है। तो सबसे पहला तो हम इसमें कर सकते हैं नीम ऑयल, जिसका रेगुलर स्प्रे हम कर सकते हैं वीक में एक बार। अगर आपके प्लांट्स पे या बेलों पे किसी तरह का कोई अटैक है तो आप कर सकते हैं दो दिन में या तीन दिन में रिपीट कर ले, एक वीक में दो या तीन बार स्प्रे कर दे, अदरवाइज नॉर्मल उसके लिए वीक में एक बार आप स्प्रे करें। दूसरा है नीम ऑयल के साथ साथ आप बायो एंजाइम्स का स्प्रे करें। देखिए, हम एलोवेरा का बायो एंजाइम बनाते हैं तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, हम लहसुन और मिर्ची का बायो एंजाइम बनाते हैं, हम फ्लावर्स का बायो एंजाइम बनाते हैं, तो बहुत सारे अलग, जैसे सिट्रस फ्रूट का बायो एंजाइम है, तो ये जो अलग अलग बायो एंजाइम्स हैं आप इनका स्प्रे रेगुलरली करते रहें तो वो आपके पौधे को पोषण भी देते हैं और किसी तरह के इंसेक्ट के अटैक से भी वो आपके प्लांट्स को बचाते हैं। दूसरा एक सबसे बेस्ट होता है जो आपके किचन से ही निकलता है, वो है अनियन या गार्लिक के पील। जो अनियन के पील हैं आप क्या कर सकते हो, उनको पानी में भिगो दें और पानी में भिगो के एक या दो दिन में उनका कलर चेंज हो जाता है, एटलीस्ट दो दिन रखें तो ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए, ये मैंने अभी बनाया हुआ है, तो इसमें अनियन पील मैंने डाल दिए थे और पानी भर दिया और अब ये इसका कलर चेंज हो गया है, तो इस तरह का कुछ कलर पानी का आपको दिखेगा। इसकी स्मेल बहुत फास्ट होती है, बहुत हार्ड स्मेल है, तो जो स्मेल है उससे भी कीट या किसी तरह के इंसेक्ट जो है आपके प्लांट्स पे अटैक नहीं करते। इसी तरह का आप अपने गार्लिक के साथ भी कर सकते हैं और ऑनियन पील के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। एक होता है हल्दी, जैसे कई बार होता है मिर्च के, उसमें हमें बहुत बार मरोड़िया रोग जैसा हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक चम्मच हल्दी को आप एक लीटर पानी में अच्छे से बॉयल कर लें और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद आप उसका स्प्रे करें, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। कई बार माइट का अटैक बहुत होता है हमारे प्लांट्स पे, तो माइट के अटैक को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दो रीठा, और ये बहुत कारगर है, मैंने खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट किया है, आप दो रीठा लें और रीठा को पानी में भिगो दें और भिगो के सुबह अच्छे से मसल के उसको और वो स्प्रे करें, दो तीन बार आप वीक में स्प्रे करें तो माइट से आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं कुछ, और वैसे भी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में बेस्ट है कि जितना आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी गार्डनिंग को और अच्छा बना सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फोर्थ नंबर पे, जो हम खासकर गलती करते हैं, वो होती है कि जब भी हम सॉलिड या लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड तो मोस्टली क्या होता है हम पानी की तरह दे देते हैं, लेकिन जो सॉलिड फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे नीम खली हो गई या फिर आपका किचन वेस्ट खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट खाद है, अगर जैसे बोन मील हो गया, तो ये जब फर्टिलाइज़र्स हम देते हैं तो मोस्टली हम क्या गलती करते हैं कि हम जो जड़ें हैं उसके पास वो फर्टिलाइज़र देते हैं। जड़ से जितना दूर हो सके उतनी दूर फर्टिलाइज कीजिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, बिकॉज हम खुद नए होते हैं, हम कब गलती से और बहुत ही जड़ के बिल्कुल पास में या फिर हमसे मेन रूट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे भी हमारे कई बार बेल वाली सब्जियां जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि रूट से बहुत दूर फर्टिलाइज़र दें और प्लांट्स को कम से कम डिस्टर्ब करें, क्योंकि जब भी आप प्लांट को डिस्टर्ब करते हो, प्लांट को आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ आप ये देखो कि इस पर कोई अटैक तो नहीं है, कीड़े तो नहीं है, पानी की ज़रूरत है, अदरवाइज आप कम से कम उनको टच करो। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि जब भी मैंने प्लांट्स को ज़्यादा छेड़छाड़ की है या उनके लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ा है
तो उसमें बहुत बार मैंने अपने कई प्लांट्स को खोया है, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो, और हमें ज़्यादा इतना पता नहीं होता है कि कभी कई बार रूट डिस्टर्ब हो जाती है कई बार प्लांट में, तो कम से कम उनको छेड़ें, कम से कम उनको टच करें और प्लांट को जीने दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप छेड़ोगे उतने प्लांट डिस्टर्ब होते हैं। आई होप मैंने ऑल सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करे हैं, और आई विश कि आप अपनी गार्डनिंग में इस तरह की गलतियां ना करें, और अगर गलतियां होती भी हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हम खुशी के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए गार्डनिंग करते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए गार्डनिंग करते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ़ और शुद्ध रहे। तो बहुत ज़्यादा परेशान या मेंटल हेल्थ पे उसका असर ना डले तो बेटर है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।